हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फेरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक MI Redmi Y1, जिसे हम नोट 5A भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक स्केमेटिक डायग्राम है और उसका एक PCB लेआउट है, PCB का जो पिक्चर है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे 4G हैंडसेट होते हैं, उसमें जितने भी हैंडसेट के अंदर जो भी सर्किट बना होता है पावर की का, और आज मैं यहाँ पे आपको यही बताने वाला हूँ Redmi Y1 हैंडसेट के पावर की वेस किस तरह से आपको उसे चेक करनी है। यहाँ देखिए, मैंने एक स्केमेटिक डायग्राम बनाया है आपको इजीली समझाने के लिए। और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका एक PCB का लेआउट भी है, उसका पिक्चर्स भी है कि आप देख सकते हैं कंपोनेंट कहाँ लगे हैं, किस तरह से लगे हैं। तो जनरली क्या होता है कि मोबाइल के अंदर MI के कई सारे हैंडसेट है, कॉलकॉम के कई सारे हैंडसेट है, मोबाइल ऑन तो हो जाता है, उसके बाद स्लीप मोड में चला जाता है, और स्लीप मोड में जाने के बाद वापस से मोबाइल ऑन नहीं होता है पावर की दबाने पे। और कई मरतबा ऐसा होता है कि पावर की वर्क नहीं करती है, चार्जर वगैरह लगाने से मोबाइल ऑन हो जाता है, और कभी कभार मोबाइल ऑन हो भी जाता है, पूरा ऑन हो जाता है, उसके बाद स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे ही लाइट चली जाती है उसमें, फिर हम उसको पावर की से वापस स्लीप मोड से ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल हमारा ऑन नहीं होता है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पावर की वेस आपको पता नहीं है, आपके पास MI का, Redmi का Y1 लाइट हैंडसेट आता है या नोट 5A आता है आपके पास, जिसे इस हैंडसेट को देख सकते हैं आप यहाँ पे, मेरे पास इसका PCB का इमेज आपको बताता हूँ। तो ये वाला हैंडसेट आपके पास आता है कभी भी, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि MI लोगो तो आता है लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होता है, और कभी मोबाइल ऑन भी हो जाता है तो स्लीप मोड में जाने के बाद में मोबाइल आपका पूरी तरह से ऑन नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो पहले के मोबाइल होते थे 3G 4G वाले हैंडसेट, इसमें ऐसा होता था कि पावर की पर जो वोल्टेज आते हैं आपके 1.8 से 3.3 तक, जो भी 3 वोल्ट बोल लो आप, तो ये जो वोल्टेज होते हैं वो सीधा पावर IC से आते थे। लेकिन अभी के हैंडसेट में कुछ ऐसे हैंडसेट है, यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ नहीं बताएंगे, तो यहाँ पे इस हैंडसेट के बारे में बताता हूँ आपको कि इसके अंदर जो पावर की वेस है वो दो तरह से, दो लाइनें आती हैं, एक पावर IC से आती हैं, दूसरी चार्जिंग IC, जिसको DC to DC कन्वर्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक BQ IC है 25601, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्केमेटिक में उतारा है, आप देख सकते हैं। एक लाइन जो है यहाँ पे देख सकते हैं PM8937 से आ रही है, जो कि एक डायोड बीच में लगा है, 0301 जो कि सीरीज़ में लगा है, और यहाँ पे एक HVR रजिस्टर है, और रजिस्टर के इस साइड में, इस रजिस्टर को अगर आप चेक करोगे स्केमेटिक में Redmi Y1 के, तो R1015 इस रजिस्टर का नंबर है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है। और रजिस्टर का जो दूसरा सिरा है वो आ रहा है BQ IC, जो कि एक चार्जिंग IC है, और BQ IC के 12 नंबर पिन से, 12 नंबर पिन से ये इसका पावर की जो एक वोल्टेज है वो यहाँ से आ रही है, और ये 25601 है, इसका नोस्कट पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे 12 नंबर से आ रहा है, और इस रजिस्टर के एक हिस्से में पावर IC की कनेक्शन लगी हुई है, और रजिस्टर के दूसरे साइड में BQ IC का कनेक्शन लगा हुआ है। और अगर से किसी भी एक हिस्से का कनेक्शन आपका टूट जाता है तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, अगर से पावर IC के साइड का कनेक्शन टूट जाता है तो आपका मोबाइल स्लीप मोड में चला जाएगा, वापस से ऑन नहीं होगा। और इसको दो तरह से वोल्टेजेस मिल रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से, और ये दोनों वोल्टेजेस मिलने के बाद ये जो हमारा पावर की है वो इस कैपेसिटर C1259, इसका कोड है, अगर आप स्कीमेटिक में ढूंढते हो तो ये मिल जाएगा। उसके आगे एक रजिस्टर लगा हुआ है 1202, उस रजिस्टर के बाद में एक डायोड यहाँ पे पैरेलल में लगा है प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ देख सकते हैं आप, डायोड का नंबर है FU1203। उसके बाद ये जाता है कनेक्टर की सेकेंड नंबर पिन पर। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक स्केमेटिक इसका बताता हूँ, यहाँ पे BQ और 8937 है, डायोड सीरीज़ में लगा है, और यहाँ से BQ से एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये कहाँ पर PCB के अंदर लोकेट है, कहाँ पर लगे हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डायोड रजिस्टर लगा हुआ है, और यही लाइन यहाँ पे, यहाँ जो तीन टिप्स दिख रही होगी आपको, पावर की टिप्स है, तो यहाँ पे इस कनेक्टर के दूसरे नंबर पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 पिने यहाँ पे है, और इसके दूसरे नंबर पे, यहाँ स्कीमेटिक में हमने बताया आपको, दो नंबर
पिन पे आपको पावर की वे जाती है। और यहाँ पे तीन टिप्स बने हुए हैं जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, इनमें से एक टिप्स पे आपको वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा मोबाइल आता है जो कि एमआई लोगों पे बिलिंग कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा ज़रूर पावर की सप्लाई और उसके वोल्टेजेस चेक करिए कि वहाँ पे 1.7 1.8 दो वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये डायोड जो है कहीं मिसिंग तो नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आप डायोड जो दिखा रहा है ये रेड कलर का मार्क जो है इसका डायोड है, और ब्लू कलर का जो है वो BQ का रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये जो डायोड रेड कलर का डायोड और ये जो कैपेसिटर और रजिस्टर है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जैसे मैंने यहाँ बताया एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर है। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल को आप चेक कर सकते हैं, अगर उसकी पावर की सप्लाई ब्रेक है तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दो सप्लाई आ रही हैं, एक पावर IC से, एक BQ IC से, चार्जिंग IC से। पावर IC जो Redmi Y1 में लगी है PM8937 और BQ जो चार्जिंग IC लगी है BQ25601। तो इसके बारे में अगर और भी डिटेल में आपको सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीना 28 तारीख से हमारा बैच लगता है और सारी चीज़ें आपको स्कीमेटिक लेवल पे, प्रैक्टिकली लेवल पे सिखाई जाती हैं। दिन के 12 घंटे क्लास होती हैं, सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको कराई जाती हैं, चाहे IC खोलना लगाना हो, रिबॉलिंग हो, स्कीमेटिक हो, तो ये इसको किस तरह से सर्च करना है, कैसे अपने से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। किसी भी मोबाइल को लेकर, जैसा कि यहाँ पर एक PCB है मेरे पास, देख सकते हैं आप, इसमें से भी आप लेकर के आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।